fermentation first the contents definition of fermentation types of fermentations alcoholic fermentation lactic acid fermentation and why there is a need for fermentation so first the fermentation so fermentation is basically the process by which the pyruvate which is produced during glycolysis is further metabolized in the absence of oxygen स्टूडेंट्स अगर हम इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ अक्सर स्टूडेंट्स इसको ग्लाइकॉलिस को ही फर्मेंटेशन समझते हैं बेसिकली ग्लाइकॉलिस एक एनर्जी हार्वेस्ट यील्डिंग स्टेप है एनर्जी प्रोड्यूस करने का स्टेप है सेल्स के अंदर जिसमें ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पा अब जब पायरोवेट बन जाता है तो अब सेल के पास दो ऑप्शन कंडीशन हो सकती हैं पहली कंडीशन ये रहती है कि ऑक्सीजन अवेलेबल है अगर ये ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो इस पायरुवेट को साइकिल में जो है वो ले जाया जाएगा और साइकिल के अंदर जाकर फर्दर एनर्जी है इससे प्रोड्यूस होगी साइकिल चलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चले चेन चलेगी तो इस तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगी लेकिन अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है एन एरो इन्वायरमेंट है तो एन एरोबिक इन्वायरमेंट के अंदर पायरुवेट जो है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिक एसिड में या फिर इथानोल के अंदर या अल्कोहल के अंदर तो पायरुवेट का लैक्टिक एसिड या अल्कोहल में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन है तो इसलिए ओवरऑल इसका रिएक्शन भी अगर हम देखें तो क्वेश्चन में तो बेसिकली पायुरोट प्लस एन ए डी एच एन ए डी एच भी वो मालिक्यूला जो ग्लाइकॉलोस के दौरान प्रोड्यूस होता है तो पायरुवेट और एन ए डी एच जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो इससे पायोवेट इज कन्वर्टेड इंटू लैक्टिक एसिड और इथानो दोनों में से किसी एक चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा यानी रिड्यूस कंपाउंड बनेगा एंड एन ए डी एच इज़ कन्वर्टेड टू एन ए डी इस तरह से ये मैं लास्ट पे जो एन ई डी एच इज़ कन्वर्टेड टू एन ए डी ये बेसिकली इसकी स्पेशली इम्पॉर्टेंस है फर्मेंटेशन के अंदर टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन अभी जैसे हमने कहा है कि अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो ग्लाइकॉलिस के दौरान बढ़ने वाला पायरूविट जो है उसने या तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना है या फिर अल्कोहल में कन्वर्ट होना है तो इसी तरह से अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बन रहा है तो हम कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही है और अगर किसी सेल के अंदर अल्कोहल बन रही है पायरुवेट से तो हम कहेंगे इट इज़ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यानी जो चीज़ बनेगी उसी को हम फर्मेंटेशन के टाइप जो कंसिडर करेंगे तो फर्स्ट द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन सो so, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज एक्चुअली द प्रोसेस ड्यूरिंग विच पायरुवेट इज कन्वर्टेड इन लेक्टेट आर लेक्टिक एसिड मैंने यहाँ खुद से लेक्टेट का वर्ड यूज़ किया है इसलिए कि जब आप बुक्स पढ़ेंगे या अक्सर जगह पर देखेंगे लेक्टिक एसिड बहुत कम आपको लिखा हुआ मिलेगा अक्सर जगह पर लेक्टेट मिलेगा क्यों क्योंकि लिविंग सेल्स के अंदर जो एसिड्स होते हैं वो आयनाइज होकर अपने जो है वो टेट की फॉर्म में आ जाते हैं जैसे लेक्टिक एसिड से लेक्टेट बन जाता है तो बहरहाल एसिड फर्मेंटेशन वो प्रोसेस जिसमें लेक्टिक एसिड बनेगा बाय जो है वो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज इन इनटू द लैक्टिक एसिड अब इस प्रोसेस के दौरान जब लैक्टिक एसिड बनेगा पायरुवेड से तो एन जो है इट इज़ कन्वर्टेड इंटू एन यानी एन के पास से दो होते हैं वो भी लैक्टिक एसिड को चले जाएंगे और इसी तरह से जो हाइड्रोजन आयन हैं वो भी लैक्टिक एसिड को चले जाएंगे एन के इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आइन्स दोनों की दोनों चीज़ें जो है वो लैक्टिक एसिड को मिल जाएंगी और एन दोबारा एन में कन्वर्ट हो जाएगा और पायरुवेड जो है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में एग्जाम्पल्स अगर हम देखें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर जो हम योगर्ट या दही खाते हैं इस योगर्ट के अंदर लेक्टोबेसिलस होते हैं लेक्टोबेसिल्स क्या करते हैं जनाब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं यानी वो बेसिकली ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं या कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड में तो इसका मतलब है बैक्टीरिया के अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है तभी हम जो वो योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं या इस तरह से बाकी चीज़ें जो जी दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग एनिमल्स के अंदर जब हम स्पेशली ह्यूमन के अगर हम जब हम बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के दौरान अक्सर हमारे जो जो मसल्स हैं वो लगता है कि पुल हो गए बहुत शदीद पेन हो रही होती है स्पेशली अगर आप शुरू शुरू में जिम जाना शुरू करते हैं या फिर आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं अचानक तेज़ी से, तेज से दौड़ना शुरू करते हैं तो होता यह है कि आपके मसल्स बड़े पेनफुल हो जाते हैं अब वाई मसल्स आर पेनफुल यानी जब हम एक्सरसाइज करें जिम के अंदर या कहीं दौड़ रहे हैं खेल रहे हैं तो अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं है तो हमारे मसल्स के अंदर पेन क्यों शुरू होती है उसकी वजह यह है कि जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स को एनर्जी चाहिए अब ये एनर्जी ऑक्सीजन जो है वो कम मकदार में मसल तक पहुँच रही होती है जिसकी वजह से एरोबिक रेस्परेशन के थ्रू एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी इन हालात में हमारे मसल्स जो हैं वो एन एरोबिक रेस्परेशन स्टार्ट कर देते हैं और मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है अब लैक्टिक एसिड जो कि एसिड है इस वजह से हमें पेनफुल होता है बाद में ये इलेक्ट्रिक एसर कन्वर्ट हो जाता है दोबारा ग्लूकोज वगैरह के अंदर कन्वर्ट होगा लेकिन जितनी देर तक लैक्टिक एसिड रहेगा वी वो आर फीलिंग पेनफुल हमें जो है वो जो है पेनफुल रहेगी जो पेन जो है हमें फील होती रहेगी जिससे तो हमारे एनिमल्स के मसल्स के अंदर और बैक्टीरिया जो है उनके अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है यहाँ ये आपके सामने एक जो इसका रिएक्शन बताया गया कि जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है इसमें पायरुवेट यानी सेल्स के अंदर जब ऑक्सीजन अवेल नहीं है तो पायरुवेट जो है इट इज़ कन्वर्टेड इंटू लैक्टेट और इसमें एन जो है एन के इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन्स दोनों चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रिक एसिड के पास चली जाएंगी यहाँ आप देख रहे हैं इसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है लैक्टेट भी लिखा हुआ है और साथ इसके लैक्टिक एसिड यानी दोनों वर्ड्स यूज होते हैं और लैक्टेट ज़्यादा कॉमन वर्ड यूज़ होता है डिफरेंट रिएक्शन को शो करने के तो लैक्टेट के फर्मेंटेशन के लिए सेकेंड टाइप ऑफ जो फर्मेंटेशन है दैट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि जब जो इलेक्ट्रिक एसिड के बजाय पायरुवेट कन्वर्ट होगा अल्कोहल में तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है और ये अल्कोहल जो है ये अल्कोहल की आपको पता बहुत सारी टाइप्स हैं इट इज स्पेसिफिकली इथानोल यानी कि जब लैक्टिक एसिड जब पायरुवेट जो है इट इज कन्वर्टेड इंटू इथानोल तो इसको हम क्या कहेंगे इट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है अगेन इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा पायरुवेट थ्री कार्बन मालिक्यूल है जो अल्कोहल बननी है वो टू कार्बन है तो इसका मतलब पायरुवेट का एक कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगा तो इसका मतलब तो है कि यहाँ डी होगी पायुर्वेद की डी होगी एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी यहाँ से और इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये होगा कि एन अपने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन जो है वो अल्कोहल को दे देगा और ख़ुद एन में कन्वर्ट हो जाएगा एग्जाम्पल्स अगर हम देखें यूस्ट द तो मोस्ट कॉमन जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हम खाते हैं जितने भी हैं केक्स हैं डिफरेंट टाइप्स के या बाकी बेकरी आइटम्स हैं वो सारी की सारी बेकरी आइटम्स जो हैं वो बेसिकली अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के थ्रू तैयार की जाती है यानी वो जो जितना भी उसके रॉ मटेरियल होता है मैदा वगैरह जो है उसमें यीस्ट मिक्स की जाती है उसको ओवरनाइट या खास टाइम के लिए रखा जाता है यीस्ट फर्मेंटेशन करेगी अल्कोहल बनाएगी बाद में जब बेकिंग की जाती है यानी कि बेकरी आइटम्स के को जो है वो फर्नेस के अंदर या उस बटी के अंदर जब जा पकाया जाता है तो उसके दौरान क्या होता है कि अल्कोहल जब वेपरेट हो जाती है और उसके लिए अगर आप बाइक बेकरी आइटम्स को ओर से देखें तमाम बेकरी आइटम तरह आपको जगह जगह जो स्पेसिस नजर आती हैं होल्स नजर आते हैं यानी वो बिल्कुल कंपेक्ट नहीं होती हैं बल्कि अगर आप देखें तो वो ग्रैनुलर फॉर्म में है यानी दरम्यान में स्पेसेस हैं वो स्पेसेस बेसिकली हैं शो करती हैं कि यहाँ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है कार्बन डाइऑक्साइड थी अल्कोहल थी जो बाद में वेपोरेट कर गई और उनकी स्पेस जो है वो बाकी रह गई है फिर वी हैव रिएक्शन ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का आप रिएक्शन देखें पहले मैंने कहा है कि पायरुवेट जो है ये थ्री कार्बन है जबकि इथानॉल जो है ये टू कार्बन मालिक्यूल है अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन दो स्टेप्स में होगी पहले स्टेप के ऊपर डी होगी कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल जो वो यहाँ से निकल जाएगा सी ओ टू सी ओ टू के फार्म में यहाँ से निकल जाएगा और रह जाएगा हमारे पास एसीटल डी ये डी स्टेप होगा सेकेंड स्टेप वो है जिसके दौरान क्या होगा कि एन ए डी एच जो है वो अपना हाइड्रोजन जो है उसको देगा तो इस तरह से ये रिडक्शन स्टेप कहलाएगा रिडक्शन के दौरान क्या होगा कि इसमें हाइड्रोजन आयन इसको मिल जाएंगे और एस्टलडी हाइड इज कन्वर्टेड इंटू इथानोल वाई फर्मेंटेशन इज देयर क्वेश्चन ये राइज होता है आपने देखा है कि ना ही तो इलेक्ट्रिक कैसे फर्मेंटेशन में ए प्रोड्यूस हो रही है ना ही अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ए प्रोड्यूस हो रही तो फिर हम इस फर्मेंटेशन की जरूरत क्या है सिंपल ग्लाइकॉलिस के बाद पायुर्वेद क्यों सेल के अंदर पड़ा नहीं रहता है उसका आंसर यह है कि अगर हम ग्लाइकॉलिस को ओर से देखें तो ग्लाइकोलिस में यहाँ ग्लूकोज यूटिलाइज हो रहा है तो जब ग्लिसडी हाइड थ्री फास्पेट से वन थ्री बीस फासपेट ग्लिसरेट बनता है रिएक्शन नंबर सिक्स उस रिएक्शन के स्टेप के ऊपर हमें एन ए डी चाहिए एन ए डी प्लस इन एन ए डी पॉजिटिव अब होता है कि जब ग्लाइकोलिस सेल के अंदर चलता है तो सारे के सारा एन ए डी कन्वर्ट हो जाता है एन ए डी एच मेंल द एन ए डी इज कन्वर्टेड इन टू एन ए डी एच अब एन ए डी जब अवेलेबल नहीं होगा तो फर्दर ग्लाइकोलिस को कंटिन्यू करवाना मुश्किल हो जाएगा यानी ग्लाइकॉलिस का यूँ समझे ग्लाइकोलिस स्टॉप हो जाएगी अब ग्लाइकोलिस स्टॉप होने का मतलब यह है कि सेल के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन रुक जाएगी तो ग्लाइकॉलिस को सेल ने हर सूरत कंटिन्यू करना है अब इसके के क्या होगा कि फिर ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस हैं जो एन को कन्वर्ट करते हैं एन में तो एक्चुअल जो यूज़ है फर्मेंटेशन का वो है रीजनरेशन ऑफ एन ए डी फ्राम एन ए डी एच